अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहां आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ज्वेलरी किसके पास नहीं होती? तमाम लड़कियों की, औरतों की जो कमजोरी होती है ना, वो कोई ना कोई चीज़ तो होती है। किसी को कपड़े पसंद होते हैं, किसी को परफ्यूम्स, किसी को ज्वेलरी, किसी को शूज, मतलब हर एक की अपनी अपनी कलेक्शन होती है। और वो कलेक्शन जो है ना, वो हर एक के पास मौजूद होती है। सब लोग उस चीज़ को संभाल के रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन से जो है ना शेयर करूं, जिसमें मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर है, इसके अलावा मेरे पास डायमंड है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ज़ाहिर हर कोई पहनता ही पहनता है। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करते हैं? तो चले आए आपके साथ मैं अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ, ये मेरी गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी है और सिल्वर की। इसको हम अभी अलग करते हैं, पहले हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉक्स दिखाती हूँ। ये बॉक्स कोई ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, ये वैसे मेरे पास पड़ा हुआ था। तो जैसे वो अम्माएं होती हैं ना हमारी, उनके पास संदूक होते हैं छोटे छोटे, तो वो खोलती हैं तो उसमें से पैसे या कुछ निकालती हैं। तो मैंने भी फिर ये संदूक जो है ना ये अपने पास रखा हुआ था। ये वैसे है किसी खाने वाले ब्रांड का, इसमें वो खाना पैक करके देते हैं, बट इट वॉज टू गुड, मैंने इसको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और 3। जनाब ये है मेरी सारी ज्वेलरी की कलेक्शन, तो आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज मेरे पास आ रही है ना वो ये है, ये मेरे छोटे छोटे ब्रेसलेट्स हैं। ये हस्बैंड मुझे गिफ्ट करते रहते हैं किसी ना किसी मौके पे। तो ये एक है, उसके बाद ये है, इसका कलर बहुत प्यारा है, ये हाथ में पहनने में भी बहुत प्यारा लगता है। इसके नीचे ये है, आप इसको लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है मेरे पास दो, ये देखें इसके यहाँ पे एंड पे ये बना हुआ है। इन दोनों के कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, ये भी मैं नॉर्मली पहनती हूँ। इसके अलावा ये अभी कुछ अरसे पहले हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये भी बड़ा प्यारा सा है। कुछ लोग होते हैं ना इनको पहनने का शौक होता है, जब तक वो हाथ में कुछ ना पहने तो उनको सुकून नहीं आता। अच्छा जनाब, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसको साइड पे करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ अपने जो इयर रिंग्स हैं। ये मेरी झुमकियाँ हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं वहाँ से लेके आई थी अपने साथ, तो आई लव देम सो मच, क्योंकि झुमकियाँ मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। मैं शादी से पहले भी ना बहुत पहनती थी इनको, तो ये बड़े प्यारे से हैं ना, लेकिन ये बहुत लाइट वेट हैं, इनका वेट बहुत कम है। और अभी तक ये देख सकते हैं आप, मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है ना वो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखें अभी तक इनका कलर जो है ना वैसे का वैसे ही है। और उसके बाद मेरे पास एक और हैं, ये मतलब ये जो बड़े साइज़ के हैं ना मेरे पास, ये जब शादियां शुदियां होती हैं ना पाकिस्तान में तो तब हम पहनते हैं, तो ये तब मैं शादी पर ली थी अपनी कज़न की, तो मैं अपने साथ ही ले आई थी। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये मैंने ऑर्डर पर बनवाया था। और देखें अभी तक कि मैंने कोई ख़ास इसकी केयर नहीं की, बट अभी तक जो है ना इसका कलर, इसकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ठीक है, ये दो हो गए जो बड़ों में है। इसके अलावा ये एक है और ये इतने प्यारे हैं, ये ना बस मेरे से गलती हो गई थी, इसमें जो स्टोन्स है ना ये मैंने पिंक वाले लगवा लिए थे। जब मैं गई थी दुकान पर तो उसने मुझे बोला था कि ये सिल्वर है कभी भी ख़राब नहीं होगा ना, ये वाला स्टफ़ जो है, जो भी इसका मेटल है, तो आप इसमें स्टोन्स अपनी मर्जी के लगवा लें। तो मैंने लगवा लिए, तो अब मुझे समझ नहीं आती मैं इसको कहाँ पे पहनूं, क्योंकि मैं पिंक कलर बहुत कम पहनती हूँ, तो ये मेरे किसी के साथ भी ऐसे मैच नहीं होते, लेकिन मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैंने इनको संभाल के रखा है। उसके बाद मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये छोटे छोटे आ जाते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज में ही मेरा हाल जाते हैं क्योंकि पीछे से ना, और ये भी बहुत पुराने हैं मेरे पास, बट आप देखें कि अभी तक कैसे बिल्कुल फ्रेश हैं। और मैं ज्वेलरी की कोई इतनी खास केयर भी नहीं करती हूँ, मैंने ऐसे ही रखी हुई होती है, लेकिन ये भी बहुत बहुत प्यारे हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ये देखें, ये भी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कलेक्शन में है। ये देखें ये भी ऑक्सीडाइज ही मुझे लगते हैं, क्योंकि इनका कलर भी जो है ना जैसा था, जैसे मैंने लिया था ना वैसे का वैसे ही है, और ये भी बड़े प्यारे हैं। इनको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। और उसके बाद जनाब ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये मेरी शादी का जो सेट था ना ये उसका था, और ये मेरे साथ गलती से आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर मैं जिस दिन जब मैंने आना था ना, उन दिनों में एक शादी थी वो मैंने अटेंड की थी, तो ये मैंने उसमें से निकाले, तो मैंने ना वैसे ही रख दिए ज्वेलरी में, तो ये मेरे साफ सी ज्वेलरी में आ गए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा शादी का सेट था, उसके साथ ये मेरे झुमके थे, और ये इतने हैवी थे ना
कि अब इनका बहुत ज्यादा वेट है, और जब मैंने पहने थे ना तो कान मेरे उतरने वाले हो गए थे, लेकिन ये कि बहुत प्यारे हैं। ये मैं पहनती हूँ अक्सर, तो चले यहाँ पे भी मैं साथ ले आई हूँ। ये और बात है कि यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन या ऐसी कोई चीज होती नहीं है जिसपे हमने इनको पहनना होता है। ठीक है जनाब, और उसके बाद क्या दिखाऊं मैं आपको, तो ये मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है, जो मेरी इयररिंग्स हैं सारे, जो बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, इनको भी बाद में मैं समेटती हूँ। ये भी एक इयररिंग्स है मेरे, ये भी मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये सिल्वर में है, ये भी बड़े प्यारे से बने हुए, ये देख सकते हैं आप, इनका सिल्वर में है और सारे स्टोन्स वर्क हुआ हुआ है इनके ऊपर। ये जरा लॉन्ग में है, ये भी बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट है, पता ही नहीं चलता कि आपने पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जनाब जो मेरे पास कलेक्शन है रिंग्स की। आर्टिफिशियल रिंग्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कि ये और बात है कि मैं पहनती भी बड़ी कम हूँ, कभी पहन लेती हूँ कभी नहीं। तो ये देखें जनाब, ये रिंग है बड़ी प्यारी सी। उसके बाद एक ये है, इसमें ये सिल्वर बिल्कुल ना वाइट में स्टोन लगा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। कुछ मुझे इस वजह से मैंने रखी हुई है कि मेरा दिल है कि मैं ना इनके साथ की ना गोल्ड में बनवाऊँ, तो ये मुझे इस वजह से पसंद है कुछ, तो इस वजह से मैंने ना इनको संभाल के रखा हुआ है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर मैं इनको गोल्ड में बनवाऊंगी। ये जो रिंग है ना, ये मैं अपने लहंगे के साथ शादी पे पहनी थी। ठीक है, और उसके बाद ये एक रिंग है जो मेरी फ्रेंड ने ना मुझे गिफ्ट की थी बहुत पहले, और ये अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, तक इसके स्टोन्स वगैरह निकल गए हैं कुछ, लेकिन यह कि क्योंकि मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की हुई है तो इसको मैं इस वजह से नहीं फेंकती। इसके अलावा ये एक है, इसका स्टाइल भी मुझे बड़ा पसंद है, इसमें पिंक स्टोन लगा हुआ है। तो अब मेरा पता क्या इरादा बन रहा है, काश मुझे कोई बंदा मिले जो ईरान जाने वाला हो ना, तो मैं ना वहाँ से स्टोन्स मंगवाऊँ, तो कोई जाने वाला हो ना तो मैं स्टोन्स मंगवा के ना मैं गोल्ड में लगवाऊंगी इंशाल्लाह। ये भी मेरी रिंग है बड़ी प्यारी सी, इसके अंदर मल्टी कलर्स हैं। इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी स्पेन से, वो मेरे लिए लाए थे। ये लॉन्ग में बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी ये रिंग है। ठीक है, ये लॉन्ग में है। उसके अलावा ये भी एक रिंग है मेरी, इसका स्टाइल भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब पहले ये जो रिंग्स है ना, ये मुझे पूरी नहीं आती थी, मतलब लूज थी, और अब मैं मोटी हो गई हूँ तो अब ये मुझे अभी भी पूरी नहीं आती, कई उंगलियों में फंस जाती हैं। ये जो सारी छोटी छोटी बारीक वाली है ना, ये मैंने ली थी प्रीमार्क से, ये पूरा सेट था इनका, और ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है पहनने में, तो एक साथ पहने ना तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, ये और उसके साथ ये भी हैं, ये भी मेरा हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। ये लॉन्ग में है, इसको आप इस तरह अंगूठे में पहन सकते हैं। अब मेरा अंगूठा ज़रा इसमें पूरी नहीं आ रही, तो आप जिस तरह मर्जी इसको पहनना चाहें ना, तो आप इसको, वैसे ज़्यादातर पता है ये अच्छी लगती है अंगूठे में पहनी हुई, मतलब ये ज़रा कर्व में है ना इस वजह से, तो ये भी बड़ी प्यारी है। इसको थंब रिंग भी आप कह सकते हैं। उसके बाद यही बारीक बारीक, ये भी मैंने वही है प्रीमार्क वाली जो मैं आपको बताती थी। इसके अलावा ये भी बड़ी प्यारी सी रिंग है मेरी, इसमें सारे स्टोन्स लगे हुए हैं डिफरेंट, या आई थिंक पर्पल शेड में है, भी बड़ा प्यारा सा है। और उसके अलावा ये भी मेरे हस्बैंड ने दी थी मुझे, जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं वो तो ऐसी मैंने संभाल के रखी हुई होती हैं। और उसके बाद एक ये रिंग है मेरे पास, ये भी काफ़ी पुरानी रिंग है मेरे पास और जो पड़ी हुई है। इसके अलावा एक ये स्टार में, स्टार शेप में, ये भी बड़ी प्यारी लगती है पहनने में, बहुत प्यारी रिंग है यार। और उसके बाद एक ये रिंग है, इसका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरा दिल है कि मैं इसको गोल्ड में बनवाऊँ। ये देखें इसका कितना प्यारा सा ना ये साइड पे काम हुआ हुआ है, तो मैंने इस वजह से इसको ना एज अ सैम्पल रखा हुआ है कि मैं जब भी बनवाऊँगी तो फिर गोल्ड में इसको बनवाऊँगी। इसके अलावा ये छोटी रिंग्स हैं, आपको पता है ये कई फिंगर्स में यहाँ पर आगे भी चली थी पहनने वाली। इसके अलावा ये जनाब ये काफ़ी पुरानी है, ये ना मेरे ससुर की रिंग है, उनको ना स्टोन्स पहनने का बड़ा शौक था। एक ये वाली जो मैंने हर टाइम पहनी हुई होती है, और एक ये वाली। इसके अलावा मेरे पास दो तीन और थी जो पाकिस्तान रह गई हैं, तो मेरे ससुर को बड़ा शौक होता था, उनके पास ढेर सारे स्टोन्स थे, तो उनकी जितनी भी स्टोन्स वाली रिंग थी ना वो मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, तो जो मेरी सास है ना उन्होंने ये सारी उनकी रिंग्स जो है ना वो संभाल के रखी हुई थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे दे दें, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो रिंग्स पहनते ही नहीं हैं। उसके बाद मेरे पास छोटे छोटे ईयर रिंग्स हैं, इसमें ये हैं जनाब बालियाँ, ये मुझे बड़ी पसंद है, छोटी सी ना, आप इनकी ज़रा चेक करें किस तरह का जाल बना हुआ प्यारा सा। तो ये मेरी छोटी छोटी बालियाँ हैं, अगर मुझे वैसे नॉर्मली कहीं जाना हो तो मैं ये पहन लेती हूँ, बड़ी प्यारी लगती हैं पहनने। इसके अलावा ये रिंग्स हैं जो स्टार में, जो मैंने भी आपको रिंग दिखाई थी ना, बिल्कुल उसके साथ के ये स्टार्स में हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे वैसे हैं, ये भी यहाँ से खुल के फिर बंद हो जाते हैं, भी बड़े प्यारे लगते हैं पहनने में, मतलब वैसे अगर आपका दिल कर रहा है कि आप चेंज कर लें तो फिर आप इनको
चेंज करके पहन सकते हैं। तो जनाब ये सारी मेरी इयररिंग्स की और रिंग्स की जो कलेक्शन है वो मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बैंगल्स की कलेक्शन। बैंगल्स जो है हमारे पास आर्टिफिशियल में हैं, एक ये अभी हस्बैंड पाकिस्तान गए थे तो लेके आए थे, और ये इतनी प्यारी लगती है ना पहनने में भी, और ये है कि अटकती नहीं है किसी चीज़ के साथ, मुझे इसी वजह से ये पसंद भी है। क्योंकि मैं ना वो जो अटकने वाली होती है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बड़े शौक से ली थी लेकिन जो भी कपड़ा पहने ना तो वो उसके साथ अटक ही जाती हैं। चलिए ये मैंने पहन ली है, अब मैं इसको पहन के ही ना आपके साथ बाकी जो है ना वो शेयर करती हूँ। जो अटकने वाली है ना वो ये है मेरे पास, ये मैंने बड़े शौक से ली थी, लेकिन इसके जो स्टोन्स है ना ये सारे के सारे, इसके इतना प्यारा वो वेलवेट वेलवेट टाइप है इसके अंदर जो लगा हुआ है, तो इसको जब मैं पहनती हूँ ना तो मैं जो भी कपड़े पहनूँ ना ये उसके साथ ही अटक जाती हैं, लगती है भी बहुत प्यारी हैं पहनने में। अब मैंने एक पहननी है, तो इसके अलावा एक ये है मेरे पास, ये भी उसमें आर्टिफिशियल में ही है, और दो ये मेरे गोल्ड टाइप के ना कड़े हैं जो मुझे बहुत छोटे हो गए क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ तो ये मुझे पूरे नहीं आते, तो इनका सबको ना मैंने ऐसे ही बंद करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो ये सारी जो मेरी कलेक्शन थी ना ये जनाब थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, इसको भी हम कर देते हैं साइड पे और इनको हम इधर रख देते हैं। सॉरी आर्टिफिशियल में ये भी है एक, ये मैं दिखाना भूल गई थी, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे, लेकिन ये ना मैं अटक गया था ज्वेलरी के अंदर तो मैं उसको खींचा तो ये यहाँ से टूट गया। ये भी बहुत प्यारा है मेरा नेकलेस, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर रख के, ये देखें अगर ये जुड़ा हुआ हो ना तो इट इज़ सो ब्यूटिफुल। लेकिन अब यह है कि मैं सोचा कि मैं यहाँ से जाऊँगी ना पाकिस्तान तो फिर मैं यहाँ पे ना उसको बोलूँगी ज्वेलर को मुझे टांका लगा दे, तो ये बड़ा प्यारा मुझे लगता है। ये देखें फिर अटक गया यहाँ पे, पहले भी इस वजह से टूटा था। उसके बाद एक ये जो हार्ट है ना ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, तो लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं जब मैंने लिया था इसका कलर तभी ऐसा था कि अब ऐसा हो गया, लेकिन यह है कि ये मुझे यूँ लग रहा है कि इसे थोड़ा थोड़ा ना ब्लैक हो गया है, लेकिन ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये किसी भी मतलब आप शर्ट पहने ना कॉलर वाली, या वैसे आप जो शॉर्ट शर्ट्स पहनते हैं उसके ऊपर आप कोट वगैरह पहने हो भी ये पहने आपको बड़ा प्यारा लगेगा पहने में, वेस्टर्न स्टाइल में ना अगर आप करते हैं ड्रेसिंग। और जनाब ये मेरी रिंग वो हैं कड़े हैं, ये भी अभी पाकिस्तान से लेके आए थे, हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए थे तो वो लेके आए थे उधर से, ये भी बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे बने हुए। ठीक है जनाब, तो ये मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना उसकी कलेक्शन हो गई है ख़त्म। तो अब हम चलते हैं गोल्ड और बाकी चीज़ों की तरफ, पहले इनको समेट लेते हैं जी। अब आ जाती है बारी गोल्ड की ज्वेलरी की, इसमें मेरे पास ये है मेरी चूड़ियाँ, आप देख सकते हैं इनका स्टाइल कितना प्यारा है। ठीक है, मैं कुछ जो मेरी बड़ी बड़ी ज्वेलरी थी ना मैं पाकिस्तानी छोड़ आई थी, जो मेरे बड़े बड़े सेट थे क्योंकि यहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैं अपनी अम्मी के पास उनको रखवाई थी, तो जो ऐसी चीज़ें जो आम पहनने वाली थी फिर मैं वो साथ ले आई थी। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी चूड़ियाँ हैं। इसके बाद एक सेट और है मेरे पास ये वाला, इसके साथ ये दो कड़े हैं और बीच में ये चार चूड़ियाँ, लेकिन ये मुझे बहुत छोटा हो गया अब बिकॉज मुझे अभी पूरा नहीं आता, तो अब मेरा ये इरादा है कि मैं इनको करवा के चेंज तो कुछ और बनवा लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे दो गोल्ड के हैं। उसके बाद गोल्ड की तरफ चलते हैं, गोल्ड की जो मेरे पास रिंग्स हैं ना वो मेरे पास बड़ी कम तादाद में है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरा इरादा है कि मैं बनवाऊँगी, ये भी हस्बैंड पाकिस्तान से मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। उसके बाद एक और है मेरे पास गोल्ड की, जिसमें ये है, इसमें ये प्यारा सा स्टोन लगा हुआ है फिरोजी कलर का, तो ये है। इसके अलावा ये भी मैं पहन के आपको दिखा देती हूँ, मैंने कहा सारी पहन देती हूँ। इसके अलावा अभी जो बर्थडे पे मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की थी, बेटी और हस्बैंड ने, ये भी हस्बैंड ने मुझे गोल्ड की गिफ्ट की थी, ये भी मैंने पहन ली है। और इसके अलावा ये है एक प्यारी सी, इसका ना इस तरह लगता है इस तरह वो क्राउन सा बना हुआ है, तो ये भी बड़ी प्यारी सी रिंग है मेरी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मेरे पास गोल्ड की कलेक्शन ना बड़ी कम है, मतलब बड़ी लिमिटेड है, तो इस वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जाऊंगी तो मैं ज़रूर गोल्ड की ना अंगूठियाँ बनवाऊंगी। उसके बाद जो गोल्ड की बाकी चीज़ें मेरे पास वो हैं जनाब, इनको खोलते हैं, ये देखें इसको पहले मैं निकाल देती हूँ। मेरे पास वॉच है, इसको मैंने इसके अंदर बंद करके रखा है, मैं बार बार इस वजह से बताती हूँ मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की हुई है क्योंकि सारी चीज़ें मुझे हस्बैंड ही गिफ्ट करते हैं, तो इस वजह से वो जब पाकिस्तान आते थे ना, जब इतने साल मैं रही हूँ उस पाकिस्तान, तो वो जब स्पेन से आते थे ना तो फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते, तो फिर मैं वो चीज़ें
जो है ना वो संभाल के रखती थी, बेशक मैं यूज़ करती थी या नहीं करती थी, लेकिन ये कि चीज़ें जो है ना वो मैंने संभाल के रखी हुई हैं सारी। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा मुझे पहने हुए, एक ये मेरा ब्रेसलेट है, ये भी बड़ा प्यारा सा है, ठीक है। उसके बाद एक ये इसका स्टाइल मुझे इतना पसंद है ना, इसके नीचे ये सारे कॉइन्स लगे हुए हैं और ये पहने में इतना प्यारा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसका स्टाइल बड़ा प्यारा है, आई लव इट। और इसका ना मुझे बड़ा दिल करता है मेरे पास इतने खुले पैसे हो ना कि मैं इस तरह की माला भी बनवाऊँ क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जो माला है ना वो बड़ी मुश्किल से बनेगी जिसके अंदर इतने पैसे लटक रहे हों। तो यह कि कभी मेरे पास हुए इंशाल्लाह तो मैं इस टाइप की माला भी बनवाऊँगी। उसके बाद ये मेरा लास्ट पेंडेंट है, ये मुझे मुँह दिखाई में मिला था हस्बैंड से, ये भी अक्सर मैं पहनती हूँ कहीं आना जाना हो तो, घर में नॉर्मली मैं इसको नहीं पहनती, ठीक है। तो ये जो है ना, और ये एक मेरी सिंपल सी चेन है जो मैं पहनती थी पहले, तो ये मेरी टूट गई है, इसका लॉक जो है ना कहीं मैंने खींचा या मेरा अटका किसी चीज़ के साथ, तो ये ना यहाँ पर लॉक लगा हुआ है लेकिन इस साइड से इसका वो सारा टूट गया है। तो ये अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने का इंतज़ार है, कुछ चीज़ें जो है ना वो रिपेयर करवाने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो नहीं लेने वाली हैं, तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा चक्कर लगता रहेगा तो वो हम फिर ले लेंगे, ठीक है जनाब। ये भी ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने आपको रिंग्स भी दिखा दी। अब आ जाते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में मेरे पास एक ही चीज़ है, ये मेरी नोज़पिन है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी अभी कुछ अर्से पहले, बड़ी प्यारी सी नोज़पिन है, पता नहीं आपको नज़र आएगी कि नहीं, बड़ा प्यारा सा इसका स्टाइल बना हुआ है। लेकिन इसका मसला है कि यहाँ से मैंने लिया ना तो इसकी जो बैक वाली साइड है बड़ी लंबी है और हमारे जो पता स्टॉपर होता है ना वो अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं ना उनके स्टॉपर इस तरह बाहर रहते हैं, तो मैं इसको जब नाक में पहनती हूँ ना तो ये मेरे नाक में लगती है, तो इस वजह से फिर मैं ना इसको रख दिया अभी, कभी किसी मौके पर अगर ज़रूरत पड़े फिर थोड़ी देर के लिए बंदा पहन लेता है वरना ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ माई डायमंड पेंडेंट जो कि मेरी एनिवर्सरी पे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। इतना नाजुक है ना ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी गोल्ड की चेन है और ये देखें इसका प्यारा सा जो स्टाइल है, हार्ट बना हुआ है और हार्ट के अंदर डायमंड लगा हुआ है। ये मेरा प्यारा सा डायमंड का सेट है, डायमंड का मतलब नेकलेस है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ कि इतना नाजुक है और मेरा बेटा जो है ना अभी छोटा है तो मुझे डर लगता है कि खुदा ना खास्ता वो इसको खींच के ना इसको तोड़ ना दे, और मैं ख़ुद भी इतनी कोई ना वो नफासत पसंद नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हो जाए ना तो फिर मैं कोई टेंशन लेती, ख़राब ही रहती हैं, लेकिन इसको मैं ये ख़राब नहीं करना चाहती। तो बस जनाब ये मेरी कलेक्शन थी सारी की सारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी, मेरी गोल्ड की, डायमंड की, आर्टिफिशियल जो कुछ भी था मेरे पास वो सब का सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो का एंड तक लाजमी देखा करें क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।